Hello, I welcome all of you in the webinar series of Eat Right Initiative of FSSCI, supported by Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition is committed to create a healthy ecosystem by creating awareness and providing a better solution. Topic for today's webinar is Pink Book, your guide for the safe and nutritious food by FSSCI. Namaskar, my name is आज हम बात करने वाले पिंक बुक एफ के बारे में ये जो बुक है ये एफ ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की हुई है ये जो बुक है वो स्पेशली इंडियन किचन्स के लिए है ताकि हम हमारा फूड जो हम घरों में बनाते हैं वो और ज्यादा सेफ हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस रहे इस बुक में बहुत सारे सेगमेंट्स से, हैं इसमें हम बात करने वाले हैं बाइंग के बारे में स्टोर खाने को रखना कैसे है खाने का प्रिपरेशन कैसे होगा कुकिंग के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है सर्विंग में क्या क्या करना है हमें ईटिंग के टाइम पे जब हम खाना खाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा फूड सेफ और हाइजेनिक रहे साथ ही हम बात करेंगे बचे हुए खाने को कैसे मैनेज करना है और पैक कैसे करना है आज के इस वेबिनार सीरीज में हम बहुत सारे टिप्स के ऊपर बात करेंगे हम बीच बीच में टिप्स के आ, मैं आपको बीच बीच में टिप्स बताती रहूंगी साथ में ये भी बताती रहूंगी कि हमें क्या चीज़ों को आ, करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जो बुक है ये डिजाइन की गई है बहुत ही चुनिंदा फूड टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा न्यूट्रिशनलिस्ट द्वारा ताकि हम तक एकदम बेस्ट नॉलेज पहुंच सके इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे एक्सपर्ट ने प्रमोट भी किया है द न्यू ट्रेडिशन इज गुड न्यूट्रिशन हम सब ने देखा कोविड के बाद हमारे जो ईटिंग प्रैक्टिस है वो काफी कुछ चेंज हो गया है हमारी जो थिंकिंग है वो काफी कुछ चेंज हो गई अब लोग बहुत ज्यादा हेल्थी को प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक को प्रमोट करते हैं साथ ही पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान रखते हैं हेल्थ पे बहुत ध्यान रखते हैं तो चलिए हम सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं परचेजिंग ऑफ फूड हमें खाना खरीदते हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे पास जो खाना आए वो सेहतमंद हो और सही हो उसके कारण हमें कुछ बीमारी ना हो जाए राइट जैसे कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए लोकल फूड्स लें सीजनल फ्रूट्स लें और फ्रेश फ्रूट्स लें ग्रीन फिर वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्प और फ्रेश होनी चाहिए ऐसे कोई भी रूट्स और ट्यूबल्स नहीं लेना चाहिए जिसमें स्प्राउटिंग हो जाए जो कि सॉफ्ट नहीं हो जो सॉफ्ट हो पल्पी हो राइट हैवी और फर्म टच वाला लेना चाहिए पोटैटोस हमें ऐसे अवॉइड करने चाहिए जिसमें बहुत ही रिंकल्स आ चुके हों और ओनियंस भी हैवी और फर्म ही लेना है हमको जो स्क्वीजी हो जाते हैं या ब्राउन कलर हो जाते हैं उसमें फंगस इन्फेस्टेशन हो जाता है सो so, हमें वो सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए फ्रूट्स जो भी आप लें हमेशा कोशिश करें कि वो प्रॉपरली रहें उसके ऊपर कोई ग्लैमिश ना हो कहीं से कटा फटा ना हो कहीं से डेंटिंग ना हो कहीं से स्मेल ना आ रही हो राइट मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं प्रेफरेबली हमको पॉइराइज प्रे मिल्क लेना चाहिए ठीक है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अगर आप अन लेते हैं मतलब लोकल वेंडर से भी अगर लेते हैं तो मिल्क को जांच लें अच्छे से परख लें मिल्क डिसकलर्ड नहीं होना चाहिए उसमें से कोई स्मेल नहीं आना चाहिए ठीक है लूज मिल्क या लूज कर लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के परख के फिर ही ले पैकेट फूड अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपको फोर्टिफाइड मिल्क मिल जाता है जैसे मिल्क में फोर्टिफिकेशन होता है विटामिन ए और विटामिन डी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिय वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं फ्रेश चीज़ और फ्रेश कॉटेज चीज ले सकते हैं आप ओके पैक्ड एंड सील रहेंगे तो ज़्यादा बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप पैक्ड और सील ले रहे हैं तो हमेशा बिफोर डेट को ध्यान में जरूर रखें और उसको चेक करके ही कोई भी सामान खरीदें। चलिए पल्सेस और सीरियल्स के बारे में हम बात करते हैं पल्सेस एंड सीरियल्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी वीट फ्लोर और राइस फ्लोर आपको फोर्टिफाइड मिल जाते हैं इसमें फोर्टिफिकेशन होता है आयरन विटामिन बी और फॉलिक एसिड का ये तीनों माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं आप जब भी ग्रेन्स लें पल्सेस लें सीरियल्स लें तो कोशिश करें यूनिफॉर्म लें उसमें कोई भी इन्फेस्टेशन ना हो डिसकलरेशन ना हो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन ना हो ज्यादा स्टोन डस्ट ना हो फैट्स एंड ऑयल्स फैट्स एंड ऑयल्स में भी आपको फोर्टिफिकेशन मिल जाता है ऑयल में भी फोर्टिफिकेशन होता है विटामिन ए एंड विटामिन डी का जब भी आप पैकेट खरीदे तो उसमें प्लस एफ का निशान लगा रहेगा उससे आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑयल है वो फोर्टिफाइड है या नहीं आप जो भी आप जो भी तेल लें वो क्लीन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एफ ने वैसे भी लूज ऑयल की सेल को अभी बैन कर दिया है तो आप प्रेफरेबली सारा पैक्ड लें वो ताकि अगर आपके तेल में किसी ने कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया किसी ने कुछ मिला दिया तो आप पता नहीं लगा पाएंगे इसलिए खुला तेल नहीं यूज करना चाहिए हमें पैक्ड ऑयल ही यूज करना चाहिए स्पाइसेस कॉन्टीमेंट्स में भी हम ध्यान रखें कि पैक्ड ग्राउंड स्पाइसेस लें जब भी आप पैकेट कोई सा भी लें तो ध्यान रखें कि वो कहीं से भी फटा हुआ ना हो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो ठीक है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट आता है आजकल डबल फोर्टिफिकेशन सॉल्ट में क्या होता है सॉल्ट में आयोडीन तो रहता ही है ठीक है ना फोर्टिफाइड फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट विथ आयोडीन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है so, सो आपको आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड आयोडीन सॉल्ट मिल जाता है आयोडीन के साथ इसमें आयरन का भी फोर्टिफिकेशन हो जाता है तो वो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट हो जाता है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का फायदा है कि आप जितना क्वांटिटी में सॉल्ट ले रहे हो उतना ही लगेगा पर उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिय और ज़्यादा मिल जाएंगे तो लोगों को हमेशा चेक करें डिसइनफेक्टेड ना लें कोई भी चीज़ों को मीट फिश पोल्ट्री एग ये सभी बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसको खरीदे तो कहीं हम खराब ना ले लें क्योंकि अगर हमने खराब ले लिया तो जितना वो हमें हेल्प नहीं करेगा उससे ज्यादा वो हमारी बीमारियों को बढ़ा देगा राइट अगर आपने खराब माल खा लिया तो इसलिए ध्यान रखें जब भी आप फिश को बाय करें फिश की आई हमेशा क्रिस्टलाइन क्लियर होनी चाहिए ठीक है उसके गिल्स सॉफ्ट पिंक होनी चाहिए अगर इसमें कोई भी या किसी भी नॉनवेज में कोई भी मेडिसिन की स्मेल आ रही है कहीं पे चोट का निशान है हिंजेस का निशान है तो प्रेफरेबली आप ना लें अगर आप पैक्ड लेते हैं तो उसमें बेस्ट बिफोर डेट चेक करना ना भूलें प्रॉपर शेल्फ लाइफ मेंटेन करें और विद इन शेल्फ लाइफ हो वो प्रोडक्ट आप तभी लें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें फ्रोजन प्रोडक्ट्स में ध्यान रखें अगर आप होम में फ्रोजन फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमेशा ऐसे पैक करें कि उसमें बहुत ज्यादा आइस क्रिस्टल्स ना हो प्रोसेस करके वाटर ड्रेन हो जाए ड्राई हो जाए उसके बाद ही उसको प्रोसेस करें उसके बाद ही उसको फ्रीजिंग करें जो भी फ्रोजन प्रोडक्ट आपने ले लिया है उसको थो बार बार नहीं करें राइट जैसे कि आपको अगर एक किलो यूज करना आपने एक किलो का पैकेट लिया उसमें से आपको ढाई सौ ग्राम यूज करने हैं तो आप सिर्फ ढाई सौ ग्राम ही लें और उसको थो कर और यूज़ करें पूरा एक किलो को निकाल के आपने बाहर रख दिया दो घंटे के बाद उसके बाद ढाई सौ ग्राम यूज कर लिया और फिर वापस से फ्रिज में रख दिया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे करने से फूड की प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाती है और वो जल्दी खराब हो जाता है पैक्ड केन बॉटल्स इनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपने कोई भी पैक्ड या केन केन लिया है उसमें कोई भी स्पिलेज ना हो ठीक है उसमें कोई भी बबली ना हो बल्जिंग ना हो फूल जाता है ना केन ऐसा नहीं लेना है इसका मतलब है इसके अंदर का प्रोडक्ट खराब हो गया वो खाने नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी ध्यान रखनी चाहिए चलिए अब हम बात करते हैं एक फूड प्रोडक्ट के लेबल की जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं एक सनफ्लावर ऑयल का पैकेट है आपके पास उसमें आपको ऊपर कोई ना कोई एक ग्रीन लोगो मिलेगा या वेज लोगो मिलेगा जैसे मैंने अभी एक बिस्किट का पैकेट लिया तो इसमें पर ग्रीन लोगो दे रखा है है मतलब ये वेज फ्रंट पैनल पे हमें देखना होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है उसका नाम। उसका नाम नाम जरूर हम चेक करेंगे अगर कोई ब्रांड है तो और अगर वो फोर्टिफाइड होगा तो उसमें कहीं ना कहीं फोर्टिफिकेशन का लोगो होगा अब आते हैं हम बैक पैनल बैक पैनल मतलब पीछे का भाग पीछे के भाग में हमेशा आपको एक कॉलम ऐसा मिलेगा जिसमें आपको फर्स्ट चीज जो किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखनी है वो रहती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है एक्सपायरी डेट क्या है एम कितना है और बैच नंबर क्या है ये आपको आपको ज्यादातर इस पैनल पैनल पे पे मिलेगा ओके okay? अब बैक ही बाकी चीजें भी दिखेंगे, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर भी इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है ठीक है इंग्रेडिएंट्स में आप हमेशा ये चेक कर लें कि अगर आपको एलर्जी है या आपके घर में किसी को एलर्जी है तो आप वो वाले प्रोडक्ट को उसी ओ, उस, उसको बहुत संभाल के आपको खरीदना होगा एफ एस ए सी आई अप्रूव्ड एफ एस एस सी आई का लोगो देखना ना भूलें आपके उसमें कहीं ना कहीं पर एफ एस एस आई का लोगो होगा उसके नीचे उसका नंबर लिखा होगा किसी भी फूड प्रोडक्ट में आप चेक करें कि एफ एस ए सी आई का लोगो है या नहीं उसके बाद ही उसको खरीदें और कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन रहते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कंटेन्स क्या क्या एलर्जेंट है उसके उसमें ठीक है ना एलर्जेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा इमर्सी uh, फायर्स क्या यूज किए उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा क्या एडिटिव यूज किए राइट जैसे आपके ऑयल में लिखा है फ्री फ्रॉम आर्जिमोन ऑयल सो आपका जो भी डिक्लेरेशन है वो भी दिया रहता है ताकि आप उसको भी एक बार चेक करने उसके बाद आती है बात न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन टेबल की ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम जब ये प्रोडक्ट को खाएंगे तो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा क्या अच्छी चीज मिलेगी और क्या खराब चीज मिलेगी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से एनर्जी जो है वो आपकी हमेशा सबसे टॉप मोस्ट पे रखी रहती है जिसमें हम कैलोरीज बोलते हैं ठीक है ना कैलोरीज कितनी है ऑन एन एवरेज हमें टू थाउजेंड किलो कैलोरीज चाहिए होती है एक दिन में इस प्रोडक्ट से कितनी मिल रही है जैसे कि आपको इस प्रोडक्ट में पर सर्विंग कैलोरीज मिल रही है टू फिफ्टी ठीक है ना हमें टू थाउजेंड किलो कैलोरीज चाहिए है? सो so, आपने अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खा लिए जिसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है सो तो आप अपनी डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स उसके बेस पे निकाल सकते हैं फिर आता है आपका फैट कोलेस्ट्रॉल सोडियम ये वो वाली चीजें हैं जिसको हमें कम मात्रा में आपके प्रोडक्ट में ये चीजें कम होनी चाहिए जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स तो इट्स अ गुड बट एडेड शुगर कितनी है उस प्रोडक्ट में वो आपको देखना बहुत जरूरी है बिकॉज हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारी जितनी भी डाइट पैटर्न है उसमें शुगर की मात्रा कम हम स्पेशली एडेड शुगर सो इस कोई भी आपने बिस्किट खाया कोई भी आपने स्ट्रॉ पेस्ट्रीज खाई सो so, उसमें एडेड शुगर ज्यादा रहेगी तो आपका जो भी डेली कंजम्पन है शुगर का वो कितना हो रहा है वो आपको देखना चाहिए फ्रॉम दिस एंड देन वी हैव प्रोटीन प्रोटीन इज वेरी गुड राइट प्रोटीन तो हमें चाहिए होता है क्यों क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का ये हमारी मसल्स को बोन्स को फॉर्म करने में मदद करता है हमारे हेयर्स हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट right? टिश्यूज को रिपेयर करने के काम होता है तो प्रोटीन आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा होना चाहिए आपका प्रोडक्ट जो है अगर आप पैक प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रोटीन रिच है तो इट इज गुड फॉर हेल्थ एंड देन वी हैव द माइक्रोन्यूट्रिय और मिनरल्स सो दिस सिलेक्टेड फूड जो, जो कि रिच होते हैं विटामिन में मिनरल्स में उससे क्या होता है वो हमें मदद करते हैं फाइट इन्फेक्शन के लिए ठीक है ना वो हमें मदद करते हैं इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए सो so, आपके जो प्रोडक्ट है उसमें और मिनरल्स भी और अच्छी मात्रा में होने चाहिए अगर ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए अच्छा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेली वैल्यूज दी हुई हैं ठीक है सो so, ये डेली वैल्यू का मतलब क्या हुआ डेली वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आपको दिन भर में जितना चाहिए तो एक प्रोडक्ट से आपको कितना मिल जाएगा जैसे टोटल फैट इस प्रोडक्ट से अट्ठारह ग्राम आपको मिल जाएगा ठीक है कैल्शियम आपको ट्वेंटी परसेंट इस प्रोडक्ट से मिल जाएगा इसका मतलब क्या है आपको डेली वैल्यू का आपको जितनी चाहिए थी मान लो आपको सौ ग्राम चाहिए सौ ग्राम का बीस ग्राम आपको इससे मिल गया अब आपको बाकी सोर्सेस देखने लिया जहां से आप एट्टी परसेंट और कैल्शियम ले लें इसमें हमारे मिल्क सोर्सेस आ सकते हैं और डिफरेंट और सोर्सेस भी आ सकते हैं बी अ स्मार्ट कंज्यूमर अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में ओके okay. Myths, मतलब लोगों को लगता है वो ऐसा होगा पर एक्चुअली क्या है क्या क्लेरिफिकेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे सो so, कुछ ऑयल्स और फैट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है दिस ऑयल इज गुड फॉर डायबिटीज एंड अदर डिजीजेस दिस ऑयल इज हार्ट फ्रेंडली ऑयल आपका कुछ भी हो वो फैट ही रहेगा ओके okay? और हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उस आप उस ऑयल या फैट को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं ठीक है कोई भी ऑयल गुड फॉर हार्ट नहीं होता ठीक है ना अगर जब तक आपने इसको ऑप्टिमम अमाउंट में खाया तब तक आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा है अगर आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी तब सटनली वो आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट करे ठीक तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट दिस ऑयल डिज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है सो कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट ठीक है लाइट ऑयल लाइट ऑयल हर कोई भी ऑयल हो उसे नाइन किलो कैलरीज ही मिलेगी ठीक सो so, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ और कुछ ऑयल देर से होते हैं सो दैट्स इट दैट्स द ओनली डिफरेंस नो सैचुरेटेड फैट नो सैचुरेटेड फैट बहुत ही कम होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में सैचुरेटेड फैट पॉलियन सैचुरेटेड फैट Uh, होता ही है मूफा पूफा सेचुरेटेड फैट एक ऑयल का कॉम्पोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री हो सकता है ओके okay? कोलेस्ट्रॉल फ्री हो सकता है अगर किसी ने कोलेस्ट्रॉल फ्री ऊपर क्लेम में लिखा है तो आप उसको पीछे इंग्रेडिएंट्स में जरूर चेक करें कि उसमें सही में कोलेस्ट्रॉल नहीं है अगर जीरो है मतलब हाँ आप उसको कोलेस्ट्रॉल फ्री बोल सकते हो लो फैट लेवल नॉन फैट लेवल ये सारी चीजों को भी आपको देखना चाहिए लो फैट लेवल में क्या होता है उसमें एक्स्ट्रा शुगर्स और स्टार्च ऐड कर देते हैं थिकनर्स के लिए चूंकि अगेन वेट गेन का ही काम करता है सो दिस इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस ओके सीरियल में ब्राउन ब्रेड ब्राउन ब्रेड में यूजअली क्या होता है ऐसा नहीं होता है ब्राउन ब्रेड है तो उसमें आपका मैदा यूज ना हुआ हो ब्राउन ब्रेड है तो भी आपका मैदा तो यूज होगा कुछ अमाउंट में होल व्हीट भी होगा कुछ अमाउंट में उसमें फाइबर यूज कर लेते हैं कुछ अमाउंट कभी कभी कैरेमल भी यूज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन ब्रांड्स बट ब्राउन ब्रेड डज नॉट मीन्स कि उसमें मैदा नहीं है ओके okay? सो so उसको आपको ध्यान रखना है शुगर फ्री ब्राउन शुगर लेबल शुगर फ्री मीन्स क्या होता है शुगर फ्री शुगर फ्री आप जैसे कई बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट में उन्होंने जागरी यूज किया है हनी यूज किया है तो वो लिख देते हैं शुगर फ्री बट दिस इज नॉट ए गुड थिंग शुगर तो आ रहा है सुक्रोज तो आ ही रहा है ना उस प्रोडक्ट में सोर्स माइट बी डिफरेंट राइट शुगर फ्री फूड्स जो होते हैं एक्चुअली फैट और रिफाइंड सीरियल्स भी रहता है उसमें ठीक है शुगर फ्री एंड ब्राउन शुगर लेवल्स इवन अगर आपके प्रोडक्ट में जैगरी और हनी यूज हो रहा है तो so, आप उसको शुगर फ्री नहीं बोल सकते राइट एस पर टेम है अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो हो सकता है आपका शुगर फ्री हो ओके बिल्ट हेल्दी मार्केट बास्केट ओके सो वी ऑल गो फॉर शॉपिंग राइट वी ऑल गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग ऑल्सो किचन शॉपिंग ऑल्सो सो अब हम जब खरीदते हैं तब तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है लेट्स है आप होल ग्रेन सीरियल्स खरीदें होल लेग्यूम्स खरीदें

इंकॉर्पोरेट कर लिया तो वी कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर हेल्थ उससे हमारी बहुत सारी डिसीज प्रिवेंट हो सकती हैं और हमारी अच्छी हेल्थ हो सकती है सो so, जो मिलेट्स हो गए उसको हमें जरूर अपनी बास्केट में इंक्लूड करना चाहिए कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो लाइक व्हीट फ्लोर के साथ सोया फ्लोर मिला दीजिए उससे प्रोटीन क्वालिटी इनहेंस हो जाती है ओके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब भी आप परचेस करें तो ध्यान रखिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सीजनल फ्रूट्स करें रेनबो कलर्स होने चाहिए हमारा जो बास्केट है हमें कुछ भी खरीदा या जो भी प्लेट पे है डिफरेंट कलर okay. क्या करना होगा आपको चूज हंड्रेड परसेंट जूस विदाउट एडिड शुगर अगर आप फ्रूट जूस लेते हो तो उसमें आप देखें कि आप जूसी लें जिसमें नो एडेड शुगर हो वो ज्यादा अच्छा है ऑयल एंड फैट जब हम लेते हैं तो क्या करना चाहिए हमको oil लेना चाहिए। oil के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज ऑयल इन न बदल बदल के यूज करें आप जब भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उसको बदल बदल के यूज करें मतलब कभी आपने सनफ्लावर ऑयल ले लिया कभी आपने ग्राउंडनट ऑयल ले लिया कभी आपने सिसमी सीड ऑयल ले लिया सो so, ऐसे आप डिफरेंट बदल बदल के यूज़ करेंगे ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का न्यूट्रिशन मिल सके वनस्पति घी पाम ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए हमको प्रेफरेबली मार्जरीन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज उसमें ट्रांसफैट होता है मिल्क प्रोडक्ट्स भी जब आप लें तो फोर्टिफाइड मिल्क लेंगे तो ज़्यादा बेटर है ट्राई करें कि घर पे ही कर्ड प्रिपरेशन करें आप ओके, इट इज़ वेरी गुड कर्ट का बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट होता है आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं कर्ट को होल मिल्क आपको यूज करना चाहिए ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए राइट right? मिल्क जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हाई क्वालिटी है प्रोटीन का कैल्शियम का फॉस्फरस का और विटामिन बी का सीजनल फिश मी जब आपने नॉन वेज अगर आपको बाय करना है तो आपको क्या करना चाहिए सीजनल फिश बाय करेंगे ज्यादा बेटर है जब भी आप एग बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए वो हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए प्रोसेस प्रोसेस भी ले सकते हो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं पर वो इंटैक्ट हो टूटा हुआ ना हो लीन का मीट यूज करें और जो भी आप मीट फिश पोल्ट्री यूज कर रहे हैं तो वो आप फ्रेश यूज करेंगे तो बेहतर है ओके प्रोसेनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसकी डेट ध्यान रखना है और ये जो सोर्सेस है इट ये बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का आयरन का जिंक का बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस का तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ओके okay. अब हम बात करते हैं जब हमने खाना परचेस कर लिया अब हमें स्टोर करना है तो हमें स्टोर के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए स्टोर फूड सेफ्टी सीरियल पल्सेस में क्या ध्यान रखेंगे जो भी सीरियल पल्सेस हैं आप जब स्टोर कर रहे हैं तो आप पैकेट से हटा लें उसको एक बड़े डब्बे में यूज करें डब्बे ले लें जो कि क्लीन हो ड्राई हो और उसमें उसको भर के रख लें जो भी आप सीरियल और पल्सेस यूज करें वो हमेशा एयर टाइट होना चाहिए जिस स्पून से आप निकालें वो हमेशा क्लीन और ड्राई होना चाहिए ताकि क्या होगा कभी कभी हम क्या करते हैं अगर गीला चम्मच लगा दिया तो बची हुई पल्सेस भी खराब हो सकती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जैसे कि अनियन गार्लिक पोटैटो है इसको तो हम नहीं धोएंगे लेकिन बाकी वेजिटेबल्स को आप धो सकते हैं धोके एयर ड्राई करके फिर फ्रिज में रख लें परफोरेटेड बैग्स में रखें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एंड उसका टेक्स्चर मेंटेन रहे फ्रूट्स को आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं लेकिन बनाना को केला को हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए मिल्क पाउच में मिल्क पाउच मिल्क प्रोडक्ट जो आप लेते हैं उसको आप रेफ्रिजरेट करें चिलर में आप यूज कर सकते हैं रख सकते हैं और बटर चीज क्रीम इसको हमेशा यूज करने के बाद रेफ्रिजरेट वापस कर दें मीट को फिश को अगर आप फ्रोजन रख रहे हैं ठीक है अगर आपको तुरंत खाना है तो आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं प्रॉपरली पैक करके ताकि उससे हमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो अगर आपने कोई रॉ रॉ प्रोडक्ट लिया है और आप उसको फ्रोजन करना चाह रहे हैं तो भी उसको प्रॉपरली क्लोज करके रखें और ऐसे रखें ताकि उससे किसी दूसरी पे क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो अगर आपको ज्यादा देर के लिए स्टोर करना है तो नॉनवेज को हमेशा डीप फ्रीजर में रखें मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में रखें जिसमें माइनस एटीन डिग्री टेम्परेचर रहता है फैट्स एंड ऑयल्स को आप बाहर टेम्परेचर पे रखेंगे लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि उसमें कहीं से भी लीकेज ना हो कहीं से भी ऑयल गिर ना रहा हो और स्पाइसेस एंड कॉर्नीमेंट्स को अगर आपने जार में फिल करना है तो जार में लेबल लगा दें क्या है उसका नाम और प्रेफरेबली आप डेट भी डाल सकते हैं ताकि आपको पता हो इसको कितने टाइम में हमें यूज कर लेना है सबको ड्राई प्लेस पे रखें अगर आपका प्लेस ऐसा होगा जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स खराब होने के चांसेस हो सकते हैं कैन बोटल्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो ह्यूमिड वेदर बहुत ज्यादा ना हो ओके okay? ओपन करने के बाद अगर कैंस में लिखा हुआ है स्टोर एंड रेफ्रिजरेटर तो आपको रेफ्रिजरेट करके ही रखना है मतलब फ्रिज में रखना है जैम जैल इसको ओपन करने के बाद हमेशा फ्रिज में रखें डीप फ्रीजर में ना रखें केन्स और बॉटल्स को और जो बाकी चीजें हैं जो हमारे ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बिस्किट क्रैकर चिप्स ये सब आपको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना चाहिए ओके okay. अब हम देखें ये जो रेफ्रिजरेटर है तो इसमें हमें किस चीज को कहाँ रखना चाहिए सबसे फर्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि रॉ है वो आपको फ्रिज में सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखना चाहिए ओके उसके ऊपर क्या रख सकते हो आप उसके ऊपर आप कुक्ड वेजिटेबल या कुक्ड नॉन वेज रखोगे या तो आप वेज रख लें या नॉन वेज रखें प्रेफरेबली कोशिश करनी चाहिए कि नॉन वेज और वेज कभी भी साथ में ना रहे नॉन वेज आप अलग स्टोर करें वेज आप अलग स्टोर करें मिल्क आप ट्रेस में लगा सकते हो ठीक है ना आपके जो कंपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट उसमें लग सकते हैं जो कि बटर कर्ड चीज है वो आप रेफ्रिजरेटर में सबसे टॉप में जो एक ट्रे दी हुई रहती है वहां रख सकते हैं ओके okay. सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रेफ्रिजरेटर में आपको ऐसी चीज रखनी चाहिए जो कि रेडी टू ईट है आप उसको रीहीट करके खाने वाले हो या फिर उसमें चटनीस कोई सी, जो आप तुरंत खा सकते हो ठीक है डोर की तरफ जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आप वाटर वाटर बॉटल होल्डर्स रहते हैं आप वाटर बॉटल लगा सकते हैं कॉन्डिमेंट्स रख सकते हैं जूसेस रख सकते हैं एग ट्रे दी हुई रहती है उसमें आप एग रख सकते हैं अब हम बात करते हैं फ्रिजर में जो सबसे ऊपर वाला अगर ऊपर या नीचे डिपेंड अपॉन द फ्रिज टाइप अगर मान लीजिए आपका जो डीप फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है वहां आपको क्या रखना चाहिए वहां आप रख सकते हैं आइसक्रीम ओके नॉनवेज ऐसा नॉनवेज जो कि आपको ज्यादा देर के लिए यूज करना है वो नॉनवेज आप रख सकते हैं आइसक्रीम रख सकते हैं और कुछ फ्रोजन आइटम्स रख सकते हैं हमेशा ध्यान रखें कि आपका रेफ्रिजरेटर भी रेगुलरली क्लीन होता रहे प्रेफरेबली 15 डेज में आपका हो जाना चाहिए क्लीन लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ फिफ्टीन डेज में करना आपका जब भी कोई ट्रे में कोई सामान गिर गया स्पिलेज हो गया तो आप वैसे उसको क्लीन करें ताकि वो एक्यूमलेशन ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा फैले भी ना आप स्पॉन्ज से यूज कर सकते हैं क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए फ्रिज में भी हमेशा फीफो को मेंटेन करें जो पहले रखा हमने उसको पहले यूज़ करेंगे जो बाद में रखा उसको हम बाद में यूज़ करेंगे नाउ द थर्ड पोर्शन इज प्रिपरेशन प्रिपरेशन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं हम जो भी चॉपिंग बोर्ड्स यूज कर रहे हैं हम जो भी नाइफ यूज कर रहे हैं हम वो हमेशा क्लीन और ड्राइड रहे ओके okay? जिसमें जैसे आपने कोई वेजिटेबल काटी आपने देखा कि उसमें कुछ स्पॉइल्ड है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए अच्छे के साथ ना रखें उसको बहुत बहुत जल्दी उसको हटा दें डिस्कार्ड कर दें और डस्टबिन में डाल दें एक्ट को यूज करने से पहले हमेशा क्लीन कर लेना चाहिए आप डैम्प क्लॉथ से यूज कर क्लीन कर सकते हो या फिर रनिंग वाटर में भी क्लीन कर सकते हैं रॉ मीट आपने हैंडल किया है तो हमेशा उसको हैंडल करने के बाद प्रॉपरली साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमें ऐसे पानी से वॉश करना चाहिए जो कि पीने योग्य हो और साफ हो कोई भी फूड ग्रेन्स को बार बार नहीं वॉश करना चाहिए ठीक है ना से सपोज आपने दाल ली दाल को आपने चार पांच बार अच्छे से वॉश करा फिर उसने आप उसके बाद आपने उसको वॉश करके रख दिया अब उसको जब आप कुक करने के लिए रखोगे तो आपको नींद नॉट क्या वापस से उसको यूज वापस से आप उसको वॉश करो आपने एक बार वॉश कर दिया उसके बाद आप उसको सोकिंग दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप उसकी कुकिंग कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए हमेशा आपको अलग नाइफ यूज़ करनी चाहिए और जिससे आप नॉनवेज काटते हैं उससे उसके लिए आपको अलग नाइफ यूज करनी चाहिए ओके हेल्दी कुकिंग फंडा नाउ लेट्स टॉक की हम हमारे खाने को और हेल्दी कैसे बना सकते हैं राइट right? अगर आप फूड को ढक के बनाओगे तो हमेशा आपका न्यूट्रिएंट लॉस कम होगा आप अगर शेलो और व्हाइट बॉटम वैसे लोगे तो आपको यूनिफॉर्म हीटिंग मिलेगी और बहुत अच्छे से आपका कुक प्रिपेयर हो गया हमें प्रेशर और स्टीम कुकिंग प्रेफर करना चाहिए डीप फ्राइंग की जगह राइट लाइक मोमोज मोमोज स्टीम्ड आर बेटर मोमोजर डीप फ्राइड मोमोज ओके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम थोड़े से अमाउंट में जैसे जब हम सब्जी लिया और सब्जी में हमने थोड़ा सा पानी डाला और उसको खा लिया जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तो हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है या जो जो तो हमारी जो भी मील है उसका हमें बेस्ट बेनिफिट मिलता है न्यूट्रिएंट हमेशा लॉस होते हैं जैसे ही आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है अगर किसी पानी किसी वेजिटेबल को आपने बॉईल किया है और फिर यूज किया है तो आप उसके पानी को फेंकिए मत बिकॉज उसमें बहुत अच्छी अच्छे माइक अच्छे न्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है आप उस पानी को किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं अंडर कुक और ओवर कुक मत करिए प्रॉपरली कुकिंग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की और जितना जल्दी हो सके आप उसको खा लें फ्रेश अगर आपको आप नॉनवेज आप बना रहे हैं तो आप नॉनवेज को पहले मैरिनेट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में फिर आप बना सकते हैं इट इज ऑल्सो गुड हैबिट ओके और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बना रहे हैं जो कि एलर्जिक है तो हमेशा ध्यान रखिए आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स है जो बनाने का सामान है और जो खाना है वो सब हमेशा सेपरेट रहे ताकि जो एलर्जिक पर्सन है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो हेल्दी कुकिंग ऑयल इसमें क्या करना होगा हमको हमें किसी भी ऑयल को बार 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 हीट नहीं करना इसी सपोज so, आपने कोई सा कढ़ाई में तेल लिया और आपने उसको फ्राई किया फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ तेल है आप उससे सब्जी बना सकते हैं लेकिन उस सेम तेल में बार बार फ्राई करना अवॉइड करें आप जो बचा हुआ तेल है उसको छान ले पहले और उसके बाद ही उसको यूज करना चाहिए फ्राइंग के लिए ये लोहे की कढ़ाइयाँ यूज नहीं करनी चाहिए वनस्पति और मार्जरीन भी फ्राइंग नहीं करनी चाहिए जैसे फ्राइंग हो गया वैसे ही हमें बाकी यूटेंसिल्स भी बहुत समझ के सिलेक्ट करना चाहिए जो कि हम बाकी कुकिंग के लिए यूज करते हैं हमें ये हमेशा देखना होगा कि हमारा जो कुकिंग पॉट है कहीं उससे हमारे खाने में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा मतलब कॉपर कॉपर है ना तांबा पीतल इसमें अगर आपने कोई डायरेक्ट फूड डाल दिया जो कि थोड़ा सा भी एसिडिक है, तो क्या होगा रिएक्शन होने लग जाएगा है ना आपने कई बार देखा होगा ग्रीन लाइन बन जाती है डिफरेंट डिस्कलरेशन हो जाता है क्यों क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है आपके बर्तन के साथ रिएक्ट कर रहा है एसेस बेस्ट का किसी से भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता है आप ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई कुकवेयर यूज कर सकते हैं जिसमें प्रॉपरली कोटिंग हो ओके okay? लाइनिंग हो जैसे लाइनिंग होती है कॉपर और आ, ब्रास का बेस हो सकता है पर उसके अंदर एक लाइनिंग होगी दूसरे मेटल की या फिर दूसरा मेटल होगा ताकि डायरेक्ट कोई रिएक्शन ना हो कुकवेयर के लिए बाकी कुकिंग के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए आप नॉन स्टिकी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो जिसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है एनोडाइज एल्युमिनियम कुकवेयर यूज़ कर सकते हो आप आयरन भी यूज़ कर सकते हो और उससे हमारे फूड में आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर बहुत अच्छा होता है नॉन रिएक्टिव है कॉस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है और हर प्रोडक्ट के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो आप उसको हाई टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हो आप उसको लो टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हो ये बहुत अच्छी खास बात होती है सिरामिक कुकर्स जिसमें बच्चे खाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसमें लेड होता है ओके एल्यूमिनियम्स यूज नहीं करना चाहिए किसी भी एसिडिक प्रोडक्ट के साथ बिकॉज उससे भी उसकी रिएक्शन हो जाती है और पॉट्स और पैंस जिसमें नॉन स्टिक कोटिंग है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं करना चाहिए माइक्रोवेव बहुत सारे घरों में बहुत सारा प्रिपरेशन माइक्रोवेव में होता है एटलीस्ट जिसके यहाँ माइक्रोवेव है तो रीहीटिंग के लिए तो यूज हो ही जाता है अब हम माइक्रोवेव में क्या यूज करें आपको माइक्रोवेव में प्रेफरेबली ग्लास और सिरामिक यूज करना चाहिए अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज प्लास्टिक लेकिन उस प्लास्टिक पे और बाकी बर्तनों पे लिखा होना चाहिए कि वो माइक्रोवेव सेफ है वहां पर उसमें आप कुकिंग कर सकते हो ओके okay? जब हम माइक्रोवेव में रीहीटिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा फूड पूर है हम उसको रीहीट ना करें हमें जितना खाना है हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना लो रीहीट करो और खाओ दिस इज द बेस्ट वे हमेशा लिट से एयर uh, टाइट नहीं ढकना चाहिए जब आप हीटिंग करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा एयर वेंट ओपन छोड़ दें एग को माइक्रोवेव नहीं करना है और अगर आप माइक्रोवेव में प्रॉपर कुकिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि आप उसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहें नाउ सर्विंग हमने 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 खाना लाया उसको उसको स्टोर किया हमने कुक कर लिया अब बात है खाना खाने की सेफ सर्विंग में क्या होगा प्लास्टिक ग्रेड सिरामिक और पोर्सलिन आप यूज कर सकते हो ओके okay? प्लास्टिक यूज नहीं करना है फूड ग्रेड ग्लास यूज करना है आपको ओके okay? न्यूज़पेपर यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए वैक्स पेपर यूज नहीं करना चाहिए और नॉन टेंड कॉपर ब्रास भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए आपको अगर आपका कॉपर का कोटेड यूटेंसिल्स तो आप यूज कर सकते हैं सेफ सर्विंग में आप ध्यान रखें कि आपका हाथ भी प्रॉपरली धुलाओ हमारा सिर्फ बर्तन ही साफ होना फूड ग्रेड होना इम्पोर्टेंट नहीं है हम जिस हाथों से सर्व कर रहे हैं वो हाथों का क्या है हाइजीन कंडीशन वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर्विंग के हमेशा सर्विंग टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो फायर फूड डायरेक्ट ईटिंग में नहीं जा रहा है तब तक वो फूड क्लोज रहे कवर्ड रहे ओके? Okay? जैसे ही फूड बने वैसे ही हम खा लें फ्रेशली कुक्ड और जो हम रखना चाह रहे हैं उसको हम प्रॉपरली क्लोज करके रखें ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स सो अब हमें कितना खाना चाहिए हमारी जो बॉडी है वो सेवेंटी परसेंट वाटर से बनी इसलिए हमारे डाइट में भी दिन भर में फिफ्टी परसेंट अमाउंट वाटर का होना चाहिए देन वी कैन हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रूट्स होने चाहिए हमारा जो भी मील है उसका ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट हम ग्रेन्स ले सकते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 15% हम मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं 15% हम मीट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं सीड्स ले सकते हैं सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और डाइट का सबसे कम पोर्शन होना चाहिए फैट का दैट इज 10% ओनली क्या खाना चाहिए हमको जो ग्रेन सीरियल से आप एडिक्वेटली खा सकते हो लिबरली खा सकते हैं हम फ्रूट्स वेजिटेबल लेकिन हमें कम खाना है मॉडरेटली खाना है क्या पैक्ड प्रोडक्ट्स मीट प्रोडक्ट्स जेस okay, ये आपको लिमिटेड खाना चाहिए एंड वेरी स्पेर मतलब बहुत ही कभी कभार वंस इन अ ब्लू मोन आपने खा लिया बर्गर पेस्ट्रीज आइसक्रीम्स कभी कभी आपने खा लिया तो ठीक है अदरवाइज हमें रोज रोज नहीं खाना चाहिए सिगरेट और एल्कोहल इज नॉट एट ऑल अ हेल्थी ऑप्शन आपको हमेशा सिगरेट और एल्कोहल अवॉइड करना चाहिए ओके okay. नाउ वन ऑफ द इनिशियटिव हमेंगे बात करते हैं सो so, आपको अपने डाइट से अगर तेल शक्कर नमक कम करना है तो आप कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स यूज कर सकते हो जैसे कि जब आपने कर लिया या कोई सैलेड लिया या फ्रूट लिया या फिर आप आटे आटा गूद रहे हो चावल बना रहे हो इन सारी चीजों में आप ऊपर से सॉल्ट मत डालिए आपको स्वाद तब भी आएगा और आप तब भी बहुत इजीली खा सकते हैं ठीक है इससे क्या होगा हमने सॉल्ट का मात्रा यूज करना कम होएगा हमारा स्मॉल अमाउंट आप स्मॉल स्पून ले लीजिए जिससे आप तेल शक्कर नमक नापते हो अपने आप, आपका क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा कम होना लग जाएगा आप अपने डाइट में से जो हाई शुगर सॉल्ट एंड ऑयल वाली चीजें होती हैं जैसे कि केक फ्राइड स्नैक्स बिस्किट जैम चली पिकल्स ये वाली मात्रा को कम कर लीजिए ओके आप डेजर्ट्स में आइसक्रीम की जगह फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिए स्वीट्स की जगह फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिए ऑयल एंड स्वीट कंजम्पशन कम होगा राइट लीन मीट मीट आप लें तो नॉन वेज के लिए वो यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल आप यूज करें वनस्पति मार्जिन यूज ना करें न्यूट्रिशनल लेवल आप चेक करें अपने पैकेट पे राइट कि कितना सोडियम है लाइक एक किस में अगर आपका फाइव परसेंट सोडियम है और अगर आपने पांच पैकेट खा लिए हैं वो ऑलरेडी सो आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यू ही हो जाता है राइट सो अब आपको बाकी चीज़ों को जो खानी हो बहुत ही ध्यान से खानी होगी एज पर डब्ल्यू आप फाइव ग्राम सॉल्ट पर डे खा सकते हो ठीक है उससे उसका मतलब क्या हुआ वन स्पून सो हमें वन स्पून का टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमें दिन भर में इतना ही खाना है नाउ लेट्स मील आप अच्छे से फूड खाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन पेट भरने से थोड़ा सा पहले हम रुक सकते हैं ओके okay? हमेशा हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगे ओके माइंडफुल ईटिंग लीडिंग होनी चाहिए पे अटेंशन टू वॉट आर ईटिंग री फेमस श्लोक विच से वही हम बनेंगे सो so, आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए खाते हैं टीवी देखते हुए खाते हैं सो so, क्या होता है उसकी भी एनर्जी वाइब्रेशन आपके अंदर आती है सो ऑलवेज ट्राई टू है माइंड फुलिटे विदाउट एनी डिस्ट्रेक्शन विदाउट एनी मच ऑफ द वर्क आप खाने को इंजॉय करो खानों को फील करो स्लोली स्लोली खाना चाहिए प्रॉपरली च्यू करना चाहिए अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी आपके मील को आपको स्किप करना तो ठीक है पर अगर आपने रेगुलरली मील स्किप करना चालू कर दिया तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं उपवास इज ओके आपका रेगुलर आपने फास्टिंग करी है ऑन अ पर्टिकुलर डे वो अच्छा है वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा लेकिन रोज ब्रेकफास्ट मिस करना या फिर रोज रोज लंच मिस करना ये अच्छी बात नहीं होती है हमेशा ट्राई करें ट्रेडिशनल होम फूड बेस होम फूड खाए प्रोसेस रेडी टू इट कन्वीनियंट फूड हमेशा कभी कभार के लिए अच्छा होता है इट इज नॉट इट ऑल प्रेफर्ड टू हैव इट ऑन अ डेली बेसिस हेल्दी फूड फॉर ऑल लेट्स नाउ सो so, किड्स की जो अगर हम थाली प्रिपेयर करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किड्स के लिए प्रोटीन के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज उनका बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है अभी मसल्स बन रही हैं बोन बन रही है स्ट्रेंथनिंग हो रही है सो so, किड्स के प्लेट में आपका एक हेल्दी प्रोटीन का ऑप्शन जरूर होना चाहिए वो वेज सोर्स भी हो सकता है नॉन वेज सोर्स भी हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है हर बच्चे को खाना आजकल कई बच्चे हमने देखे हैं कि जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाते हैं विच इज़ वेरी 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 बैड आगे चल के जरूर कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिय डेफिशेंसी हो सकती है कुछ अदर uh, डिसीजेस हो सकती है, सो so, हमें वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ज़रूरी भी होते हैं ऑयल भी आप ऊपर से ऑयल डाल सकते हैं बच्चों के सैलेड्स में राइट right? एंड होल ग्रेन्स होना चाहिए बच्चों के मील में वाटर फॉर श्योर वाटर और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है एडोलेसेंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा एडोलेसेंट के लिए आप ग्रेन्स बहुत ज्यादा दें फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दें मीट प्रोडक्ट्स कुछ पोर्शन कर सकते हैं हम मिल्क प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन कर सकते हैं फैट ऑयल एंड सॉल्ट ये बहुत ही कम कम मात्रा में होना चाहिए री थिंक यू ड्रिंक गर्मियों का मौसम हो या ठंडियों का मौसम हो हमें लिक्विड बेवरेज की एक रिक्वायरमेंट सी लगती है ठीक है ना अब गर्मियों का मौसम है तो अब आपको बाजार में जाकर ठंडा कोका कोला पीना है या फिर ठंडा मैंगो जूस पीना है या आपका मर्जी है राइट या आपके ऊपर ऑप्शन है लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा साबित हो राइट सो so, प्रेफरेबली आपको हमेशा ऐसी ऐसे बेवरेज का चयन करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ बेन, हेल्थ को बेनिफिट भी हो सबसे फर्स्ट तो वाटर हो गया वाटर को आपको बहुत अच्छे से पीना चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पीना चाहिए ओके आप गर्मियों के सीजन में जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं पीजिए बिकॉज उसमें हमारी स्वेटिंग भी होती है और वाटर डिहाइड्रेशन भी होता है अगर हमने पानी कम किया कम पिया तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप कहीं बाहर गए हैं कहीं आप ऐसी आपने गन्ने का जूस पीना है आपको पर आपको पता नहीं है वो जो आइस यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की है तो प्रेफर करें आप उसको विदाउट आइस ही पिए बिकॉज आइस की अगर आपको क्वालिटी पता नहीं है और अगर आइस की क्वालिटी सही नहीं हुई तो उससे हमें बल्कि नुकसान ज्यादा हो सकता है तो आप प्रेफर करें विदाउट आइस पी लें शुगर ड्रिंक्स ना लें फ्रूट जूस आप लेते हैं आप डायरेक्ट फ्रूट जूस ले लीजिए फ्रूट का तो अपने इतना स्वीट टेस्ट होता है तो विदाउट एडेड शुगर एंड सॉल्ट आप ले सकते हो अल्कोहल जितना कम हो सकता है आपको उतना अवॉइड करना, करना चाहिए और आर्टिफिश स्वीटनेस भी लेना चाहिए आपके बॉडी और हेल्थ के हिसाब से लेना चाहिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है हम हेल्दी सिर्फ फूड से नहीं रह सकते हमारा जो दिनचर्या है हमारा कैसा वर्कआउट है हमारा क्या है डेली हैबिट्स उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है सो so, एक्सरसाइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमें फिट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज तभी हमारे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा और हम हेल्थी रह पाएंगे सो फिजिकल एक्टिव होनी चाहिए हमारे पास हमें कम से कम हफ्ते में चार से पांच बार आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए सात से आठ घंटे का और अच्छे से भरपूर पानी पीना चाहिए अगर आपका ऑफिस है सेकेंड फ्लोर पर तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप लिफ्ट यूज करें या तो आप स्टेयर से स्टेयर्स का ऑप्शन यूज करना इज दल्दी ऑप्शन इसी बहाने कम से कम आप आपको चल पाएंगे और आपका कुछ एक्सरसाइज हो जाएगा आप वॉक कर सकते हैं साइकिलिंग कर सकते हैं ओके अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको दिन भर सिटिंग की जॉब है तो आप हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स ले लें एवरी ट्वेंटी मिनट्स में आप एक ब्रेक ले सकते हैं कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कुछ टर्न अराउंड कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉपर ध्यान भी मेंटेन रहे और बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहे हमारे बहुत सारे फूड्स हैं जिनसे एक पर्टिकुलर अच्छी चीज हमें मिलती है राइट right? जैसे विटामिन बी बी टू बी फाइव हमें फ्रूट से मिलता है बी सिक्स गार्लिक से एवोकेडो से बी ट्वेल्व डेयरी और नॉनवेज बहुत अच्छा सोर्स होता है B12 का विटामिन सी हमें मिलता है साइट्रिक फ्रूट से विटामिन डी हमें मिलता है चीज से मशरूम से सो विटामिन एंड मिनरल्स ओके ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो प्लेट प्लेट है वो रेनबो कलर से होनी चाहिए अगर आपका रेनबो कलर्स रहेगा तो क्या होगा आपके प्लेट में हर कलर का आइटम है अगर हर कलर का आइटम है तो फॉर श्योर sure आपको अलग अलग वाइटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे जिससे हम हेल्दी रहेंगे और डिसीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है दिस इज अ अफुल रेनबो पिक्चर ओके नाउ लेट्स हैव सम क्विक टिप्स ऑफ हेल्दी स्नैकिंग अब हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और शाम को भूख लग गई या फिर घर में बैठे हुए हैं और शाम को भूख लग गई तो या हमारे पास दो तो ऑप्शन है या तो हम घर में कुछ बना सकते हैं या फिर हम बाजार से वही अनहेल्दी चीज ले सकते हैं जैसे कि चिप्स बिस्किट बट कुछ ऐसे इजी टिप्स होते हैं जिसको आप डिलीशियस भी बोलोगे और आप रेगुलर बेसिस पे यूज भी कर सकते हो जैसे कि फ्रूट्स आप होल फ्रूट्स लो वैसे भी हमारा जो दिन का डेली का प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम फाइव मील हो फाइव पोर्शन ओ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इस फाइव पोर्शन में पोटैटो नहीं लेते हैं हम बिकॉज पोटैटो इज यू नो हाईली स्टार्ची प्रोडक्ट तो इसलिए पोटैटो को यूज नहीं किया जाता है कम से कम फाइव पोर्शन आपके होने चाहिए सिर्फ इसके तब हम बोलेंगे हमारी जो मील है मील एक पोर्शन आप एक होल फ्रूट ले सकते हो या कुछ वन बाउल ले सकते हो उसको हम वन पोर्शन बोलेंगे आपने अगर वन फिफ्टी एम का एक वन फ्रूट uh, जूस लिया है उसको भी आप एक पोर्शन बोलोगे आप कोशिश करो कम से कम चार से पांच पोर्शन फ्रूट्स के एक दिन में जरूर ले लें ओके अब इवनिंग में हमें कुछ खाना है आप फ्रूट खा सकते हो द बेस्ट ऑप्शन आप कुछ रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हो विद द कर्ड डिप जैसे हम फ्रेंच फ्राइज को सॉस डिप करते हैं टोमेटो कैचअ लगा के जाते हैं इन द सेम वे इट इज वेरी डिलीशियस आप पवड वीट ले सकते हैं लोटस सीड्स ले सकते हैं राइस ले सकते हैं स्प्राउट्स हेल्दी सोर्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इट्स अ वेरी गुड सोर्स स्प्राउट्स ले सकते फॉर द हेल्दी स्नैकिंग्स और यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ नट पीनट ग्राम सीड रोस्टेड और अनसॉल्टेड इसमें रोस्टेड एंड अनसॉल्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि अनसोल्डेड रहेगा तो एक्चुअली आपको उसका एक्चुअल टेस्ट समझ में आएगा प्लस वी हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट फ्रॉम आवर डाइट हमें कुछ ना कुछ करके सॉल्ट रिड्यूस करना है राइट right? सो so, आप ऊपर से सॉल्ट डालना कम करें ओके नाउ लेट्स हैव सम क्विक टिप ऑन रीपर्पस लेफ्ट ओवर्स मतलब कैसे हमें लेफ्ट ओवर को मेंटेन करना है अब मान लीजिए आपने घर में खाना बनाया और आपके यहां दाल बच गई सो so, दाल को आप एक इंटरेस्टिंग वे में भी यूज कर सकते हो आप अपने आटे के साथ उसको गूंद लीजिए तो आपका एक हेल्दी यमी टेस्टी पराठा बन जाएगा लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स को हम पेटीज में यूज कर सकते हैं सैंडविचेस में यूज कर सकते हैं लेफ्ट ओवर राइस से आप लेमन राइस बना सकते हो पुलाव बना सकते हो फ्राइड राइस बना सकते हो कटलेट्स बना सकते हो सो यू कैन यूज द लेफ्ट ओवर पोर्स ऑल्सो इन अ वेरी हेल्दी वे बट ये We have to make sure कि हमें जितना खाना है हम उतना ही प्लेट में ले हमें ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा खाना है वो वेस्ट ना हो बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो की हंगर से जिनको खाना ही नहीं मिलता वो उनके हंगर से डेथ भी हो जाती है सो एज ए ह्यूमैनिटी एंड दिस दिस फूड इज अवर नेचुरल रिसोर्सिस है ना हमारे कंट्री का रिसोर्स है दिस इज नॉट अवर ओन रिसोर्स हमें इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी चाहिए कि हमारा कोई भी खाना वेस्ट ना हो दैट्स ऑल अबाउट द पिंक बुक आप फूड सेफ्टी से कनेक्ट हो सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एफ एस एस सी आई के इनिशिएटिव्स को जान सकते हैं